नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11 का चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। हमें पूछा है कि क्या ये दोनों इक्वल है, यानी हमें पता करना है कि क्या LHS और RHS इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमें 7 फैक्टोरियल पता करना है या फिर नहीं है। तो ये 3 फैक्टोरियल को ऐसे लेने देते हैं और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था। तो इधर है इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से हम 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में 4, क्योंकि ये माइनस में 3 फैक्टोरियल तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो 7 फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारा 24। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 1 तो इसके इक्वल है ही नहीं, तो हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देंगे कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे क्या है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे n की जगह 2 है, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 1 2 पहले 2 नेचुरल नंबर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 2 था, तो हमने फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 56 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्यूट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल फाइंड x। हमें ये वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x, डिवाइड में है 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, हमारे पास बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे x के इक्वल चल रहा था ना सब कुछ, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 64। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एवेलेट n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। यहाँ हमें एवेलेट करना है जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं n की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हो जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट है, जब हमें n की वैल्यू क्या दी है 9 और साथ ही में r की वैल्यू हमें गिवन है 5। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पुट करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे n माइनस r, तो हमारा n है 9 माइनस r है 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब तक 4 फैक्टोरियल नहीं आता जब तक हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की तरह, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय
7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 आगे हम नीचे देख रहे हैं, नीचे 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15120 15120। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हम लोग इनको डायरेक्ट क्यों कैंसिल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। ये था 9 फैक्टोरियल, यहाँ से करते हैं इसको एक और बार अलग तरीके से सॉल्व, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। हमने पढ़ा था कि इस तरह जब कोई हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल के टर्म में तो उसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऊपर 9 फैक्टोरियल है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये टोटल था क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर था, तो इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, इसी तरह इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, डायरेक्टली हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते थे, हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ से भी क्या है, यहाँ से हमारे पास ये जो नंबर बचे वो है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो वही सेम यहाँ पे आंसर आएगा 15120। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि जहां तक ये नीचे नंबर दिया है, या फिर ये नंबर ऊपर भी हो सकता था, तो मतलब जितना नंबर जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर तक लिखते जाओ, उसके बाद वहां पे फैक्टोरियल लगा दो और देखो कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। इससे क्या होता है जो हमारा टाइम है वो बचता है, हमें ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं अपने टाइम को। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।